सो यार कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ एक वीडियो लेके, और अभी सुबह हो रही है, टाइम हो रहा है 8:30 के अप्रोक्स टाइम हो रहा है। और आज मैंने पहन रखी है टी शर्ट। मैं टी शर्ट यार बहुत कम पहनता हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं टी शर्ट कम पहनता हूँ, तो आज मैंने टी शर्ट पहन रखी है। तो अभी मैं आपको फटाफट सीन समझाता हूँ। सीन क्या है, हमें जाना है किचा, हम जा रहे हैं किचा जो कि उत्तराखंड में आता है रुद्रपुर के पास, ठीक है। वहाँ मेरी खाला रहती हैं, उनके घर पर मैं जा रहा हूँ, और कामरान मामा जा रहा है मेरे साथ, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो कामरान मामा, आप अगर शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कौन है, वरना आपको मैं आज मैं न्यू हूँ आप लोग, तो मैं उनसे मिलवाऊँगा आपको। तो यहाँ से मुझे जाना है पीलीभीत, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से उनके साथ हम ज़्यादातर चांसेस हैं हम बाइक से जाएंगे, हो सकता है कार से भी चले जाए, पर ज़्यादातर चांसेस बाइक के, तो हम जाएंगे बाइक से पीलीभीत से किचा जो कि उत्तराखंड में। तो यहाँ से मुझे पीलीभीत जाना है, वहाँ से किचा। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अभी सुबह का 8:30 हो रहा है। तो चलो यार, मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ बस का वेट, तो बस आती है और यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज हम जा रहे हैं बस से। मैं पीलीभीत आ चुका हूँ और अभी जस्ट उतरा हूँ, और मैंने कामरान मामा को फ़ोन कर दिया है, तो वो मुझे लेने आ रहे हैं। जब तक मैं सोचा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ पैदल पैदल, वो आ जाएंगे उधर से, फिर देखते हैं कितनी देर में यहाँ से किचा के लिए निकलते हैं। आप मेरी ये कन्फ्यूजन दूर कर दो, जिसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये वाइड एंगल, इससे स्पेस ज़्यादा आती है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। और ये है नॉर्मल कैमरा, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, इससे स्पेस कम आती है। पर तो आप बता ज़रूर देना मुझे इन दोनों में से किससे ज़्यादा ब्लॉग शूट करें। वाइज मामा लेने आ गए मुझे, तो ये इनको ऑफिस में काम था, ये लैपटॉप साथ में लेके आए थे, तो अभी ये घर पे लैपटॉप रखने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद हम 15 मिनट में घर से यहाँ निकल जाएंगे किचा के लिए, ठीक है। लैपटॉप घर पे रख दिया हमने और हम घर से निकल चुके हैं, और अभी पीलीभीत के अंदर ही हैं शहर के, अभी मेन रोड पर आने वाले हैं। घर से निकल गए हम और थोड़ी आगे आ गए, 10-15 किलोमीटर लगभग आ गए, तो रास्ते में यहाँ पर अभी रुके हैं। अच्छा लग रहा है बहुत। तो ये देखो बुलेट हमारी ये खड़ी है, और अभी हमने ये गोलगप्पे वाला रोका, यहाँ से थोड़े गोलगप्पे खाएंगे घर से। यार सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं, बाकी फुल एंजॉय है, फुल एंजॉय हुआ। तो इनके गोलगप्पे ट्राई करते हैं, गांव में आए और गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या मजा। हाँ ये बात तो सही है। लो क्या चला, तो यार निकलते हैं यहाँ से, वरना ज़्यादा अगर टाइम यहीं पर ही लगा देंगे तो देर हो जाएगी, हो जाएगा, निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं अब जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम से पहुँचना भी 1 बज गया भाई। बाकी ब्लॉग को अगर वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखो, शुरू से देखोगे एंड तक, तो आपको मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट बनी रहेगी आपकी। लोकेशन देखो आप लोग, इतना अच्छा ब्रिज है और उसके नीचे नदी बह रही है, बहुत अच्छा फील आ रहा है यार यहाँ पे। एक बार पीछे का व्यू देखो, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो यार देखो जस्ट उत्तराखंड में एंटर ही करें और यार पहाड़ यहाँ से विजिबल होने लगे, इसके पेड़ के पीछे वो सामने देखो, ये देखो, मतलब इतनी दूर से विजिबल हो रहे हैं। तो यार यहाँ से कितना 8 किलोमीटर दूर रह गए, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था यार, वहाँ गोलगप्पे खाए वो भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो अभी बिरयानी खाने के लिए रुके, बिरयानी खा के तो यहाँ से चलते, और उसके बाद देखते क्या प्लान रहता है हमारा। तो पीछा में अपने खाला है, वहाँ से मिलेंगे सब। चलो बिरयानी आ रही, हमारी बिरयानी आ गई है, उसको खा के देखते कैसी है। आशु भाई आप ट्राई करो कि कैसी लग रही है आपको। मज़ा आ गया भाई, भूख में बिरयानी, क्या ये बात। तो इनका टाइम लैप्स निकल रहा है यहाँ पे। क्या हाल है ब्रो? हेलमेट टू हेलमेट। आओ गले मिलो, गले मिलो। अरे नहीं यार, अरे वीडियो मत लो अभी। ना ना क्यों नहीं लो, गले मिलो, इसे कट कर देना, कट नहीं होगा कुछ भाई। तो अभी हम खड़े हैं रुमान और इनके हॉल में, इनका मैरिज हॉल है, तो अभी हम इनके घर पे नाश्ता वास्ता करके आ गए, और यहाँ पे अभी टाइम कितना हो रहा होगा, शायद 3 बज रहे हैं ना, 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है, और अभी किचा में हैं इनके हॉल में। अभी आपको हम पूरा हॉल का टूर कराएंगे, पूरा हॉल दिखाएंगे इनका। तो कुछ बता इसमें कितने, मतलब कितने गज में है ये हॉल तुम्हारा? ये तुम्हारा 3 बीघे में है। 3 बीघे में इनका पूरा हॉल बना हुआ है, अभी आपको पूरा दिखाएंगे, और इसके बाद हमारा प्लान क्या है वो भी बता दे रहे हैं हम आपको। हम जा रहे हैं रुद्रपुर, पूरा रुद्रपुर आपको दिखाएंगे, वो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर ही अभी एंड कर देंगे, ठीक है। और हम एक जा रहे हैं बुलेट लेके, एक जा रहे हैं इनकी स्कूटी लेके, हम 4 लोग जा रहे हैं, 2-2, ठीक है, और वो आपको अभी पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पूरा हॉल दिखाते हैं। तो
ये इनके हॉल का फ्रंट है, अभी बहुत काम बाकी है, पेंट वेंट होना है। तो ये इनका एंट्रेंस है मेन इनके हॉल का, हमने बना रखा है। अब इसमें अगर इतना तो हम देते हैं, ये अब किसी और डेकोरेशन चाहिए तो हम और डेकोरेशन को आप खुद ही करा सकते हैं। ये इनका ऑफिस है, अभी काम पूरा बाकी है हॉल में, अभी कई काम होना रह गए। ये हमारा ऑफिस है, ये अभी टेंपरेरी ऑफिस बना रखा है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा लॉन है यहाँ पे पूरा, बाकी ये पहले तुम्हारा ये वो था ना बाग यहाँ इस एरिया में, ये हमारा बाग था तो उसको इन्होंने हटवा के, ये मतलब इनका बीच शहर में ही था, और हमने मतलब ये ऐसा करके बनवाया तो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। जैसे अगर अमीरों की शादी है या इंगेजमेंट है या बर्थडे पार्टी है कुछ भी, तो बढ़िया लॉन डेकोरेट हो सकता है कुछ भी। वैसे ज़्यादातर हम क्या होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं वो खड़े होकर खाना सही नहीं समझते हैं, ये पूरा ये अंदर का बना दिया है ताकि बैठ के किसी को खाना करना है। हमने बेसिकली इस टाइप से बनवाया है कि कोई भी रिच पर्सन हो या फिर बिलो एवरेज पर्सन हो या एवरेज पर्सन हो, वो अपनी कम पैसों में अच्छी शादी कर सके। मतलब बहुत बड़ी जगह बनाया यार, ऐसा नहीं है, अभी पेंट होना बाकी रह गया है। ये पीवीसी होगी, इसके अंदर सब पूरी पट्टी, बहुत अफोर्डेबल हॉल है इनका। नाम तो बता दे, मेन नाम तो भूल ही गए। नाम है हमारे हॉल का रजा मैरिज हॉल, ये आला हजरत के नाम पे हमने रखा है। तो अब नीचे का ये सारा दिखा दिया, ये इनका नीचे पूरा हॉल लॉन जो भी था ये दिखा दिया। अब एक बार ऊपर चल के दिखाते हैं, जो ऊपर से जहाँ बारात आती है बाकी वो बैठने का दूल्हे वूल्हे का सब अरेंजमेंट है वहाँ। देखो ऊपर भी काफ़ी बड़ा है ये पूरा, बहुत एरिया बहुत बड़ा है यार इनका यहाँ पे। ये दूल्हे के बैठने के लिए अभी काफ़ी काम रह गया ना तुम्हारे हॉल में, इसमें पूरे पीवीसी होनी है इंशाल्लाह। अभी काफ़ी काम हो गया, अभी कम से कम एक साल में पूरा हो जाएगा तुम्हारा। अब ये बरसातों के बाद का तो सीज़न रुकेगा थोड़ा, उसमें इतना भले ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बारात जहाँ बैठती है उसमें पीवीसी और पुट्टी और जहाँ पे लॉन है वहाँ पे पेंट। भाई ये था इनका पूरा हॉल, और एक पूरे हॉल का व्यू दिखता है। ये देखो आप एक बार यार, यहाँ से व्यू बहुत कर रहा है यार। हेलो तो यहाँ से अब निकल रहा है रुद्रपुर के लिए, एक ये गाड़ी है अपनी, एक ये स्कूटी इनकी, तो चारों लोग जा रहे हैं, रुकना नहीं है। तो यार पेट्रोल पड़वा लिया हमने, अब निकल रहा है सीधे रुद्रपुर, मिलेंगे आपको, चलें। माउस सब लगा ले। तो यहाँ से रुद्रपुर रह गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रुद्रपुर है, और अभी हम रुद्रपुर के टोल पे खड़े हुए हैं। लोग ऐसा है स्कूटी को राइड कर रहा है, सपोर्ट नहीं है, देख लेना आप अपनी बचा के रखना, काफी बड़ी है। नेचुरल ब्यूटी यार, हम 5 किलोमीटर आगे नहीं आए मुश्किल से, और तुम वेदर मतलब बिल्कुल ही अपग्रेड देखो। तो रुद्रपुर में हम एंटर कर गए यार, रुद्रपुर काफ़ी अच्छा है, मैं तो पहली बार यहाँ पे घूम रहा हूँ इस तरीके से। एक बार आया था वो बार बार कहा तो क्या नाम है उसका, फन एंजॉय आया था, वहीं से ही लौट गया था। तो रुद्रपुर काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी इसको सही से एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। हेलो समुन, आवाज़ नहीं आ रही, अरे भाई कितनी ऊपर है, क्या बता, समुन के रूम पे आ गए। समुन आपने नैनीताल वाला व्लॉगर देखा होगा, तो उसमें जो समुन था वो रुद्रपुर रह के आईलेट्स की कोचिंग कर रहा है, तो उसके रूम पे आए आज रात, शायद यहीं पे रुके। ये क्या था, वीडियो कोचिंग में आया भाई, ब्रो नो ब्रो वो कोचिंग है, वो कोचिंग से आया नहीं है, पकड़ ले। 4 बज गए, आते ही कॉल करो, कॉल करो, आते ही ऊपर से थक गए यार, मुझे सरप्राइज देने के लिए हेलो हेलो कर, तू आ रहा नीचे से, हम रो देख रहे यार वो, ये दूसरे के हमें फ्लैट में लेके आ गया, मतलब तेरी ये याददाश्त है भाई, है ही नहीं ये जिसके हम रूम पे आए हैं। अभी रुको, वो झाग रहा भाई, गलत गुजर दिया हमें यार, क्या है, एक चीज भी डिफरेंट लगे तो मुझसे कहना। अरे चल, मैं सही आवाज मार रहा था पहले, मैं इधर ही आवाज मार रहा था, बिल्कुल है नहीं, ये लोग कंफ्यूजन होगी नहीं होगी, देखो वो बात सही है, मैं पहले आवाज सही मार रहा था, कंफ्यूजन होगी नहीं होगी। अबे तू इस फिल्म में बेकार आदमी लगा क्यों भाई, कम हूं भाई, अब बता मामा है, एक समझ तो नहीं है, अबे तू छप रही है यार। इस टाइम हम समुन के रूम पे हैं, इसके यहाँ पे रह गई आईलेट्स की कोचिंग कर रहा है, और यहाँ से रुद्रपुर से भी पहाड़ दिख रहे हैं यार, वो सामने ये, अभी मैं आपको दूसरे वाले कैमरे से दिखाता हूँ, वाइड एंगल है इसमें दिख नहीं रहे, ये देखो सामने, कौन बता रहे हैं, ये है देखो सामने, ये पहाड़ बहुत दिख रहा है,
इस ब्लॉग को हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो अगर वीडियो को एंजॉय करा हो, ब्लॉग को एंजॉय करो तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर देना। तो बाकी मिलते हैं यार ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।